हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी छोले मसाला। पंजाबी छोला मसाला बनाने के लिए पहले हमने छोले को रात भर भिगोया है, फिर उसे सुबह में नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। फिर उसका थोड़ा पानी हमने अलग से ले लिया है ताकि हमें जितना उसको उसके रस्से को गाढ़ा रखना है या पतला रखना है वो हम पानी अलग से ले लेंगे तो ही तय कर पाएंगे। और ये छोले हमने बॉईल कर लिए हैं। अब उसे बनाने के लिए हमें चाहिए ओनियन, जिसे हम 3-4 ओनियन लिया है और उसे ग्राइंड कर लिया है। 5-6 टमाटर, उसे भी मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट और फ्राइड में थोड़ी कटी हुई बड़ी हरी मिर्चें, छोले मसाला, भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्ची, तेज पत्ता, जीरा, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, काली मिर्ची और लाल मिर्ची, ये सब मसालों की हमें ज़रूरत है। अब सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया है। गरम तेल में हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, फिर हम तेज पत्ता डालेंगे, फिर हम अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर हम उसे अच्छे से हिला लेंगे। इसे हिलाते समय हमें गैस को थोड़ा धीमा करना है ताकि मिर्ची और लहसुन जले नहीं। हमने ये अच्छे से हिला लिया। फिर हम इसमें ऑनियन डालेंगे। हमने ऑनियन का पेस्ट डाल दिया है। अब हमने बॉयल चने में भी थोड़ा नमक डाला है, इसलिए हम सिर्फ स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। ये हमने थोड़ा नमक डाल दिया। हल्की सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्ची डालेंगे और फिर हम इसे भून लेंगे। प्याज थोड़ा अंदर पूरा क्रश नहीं करना है, थोड़े लंबे लंबे पीसेस दिखने चाहिए तो छोले मसाला में वो अच्छे दिखते हैं। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज अब भुन गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी लाल मिर्ची, सूखा धनिया, भुना हुआ जीरा और ये एवरेस्ट का पंजाबी छोले मसाला। ये कम से कम हमें 1-2 चम्मच जितना डाल देना है। तो हमने टोमेटो प्यूरी डाल दी और फिर हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और सारे मसाले डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले भून लेंगे, फिर हम फिर से इसे अच्छे से हिलाना है। ये देखिए अब हमारी ये ग्रेवी अच्छे से भून गई है। देखिए ये तेल छोड़ने लगी है। अब हम इसमें पहले कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर हम इसमें छोले डाल देंगे। छोले डालने के बाद हमें फिर से इसमें थोड़ा सूखा धनिया, भुना हुआ जीरा और थोड़ी काली मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए डालनी है और फिर हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और फिर हम गैस थोड़ा फास्ट कर देंगे और हम इसे अच्छा। अब आपको अगर इससे भी ज़्यादा रस्ता चाहिए तो आपने जो वो बॉयल पानी रखा हुआ था उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रस्ता चाहिए तो। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपको लगता है कि और आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा छोले मसाला और स्प्रिंकल कर सकते हैं और थोड़ा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपको तीखा फीका जैसे मसाले आपको पसंद हो आप वैसे डाल सकते हैं।
अब आप इसे अच्छे से हिलाइए और इसे अब थोड़ा सा ग्रेवी को छोलों के साथ अच्छे से पकने दीजिए। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म छोले मसाला तैयार। अब हम इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे और आप इसे जीरा राइस के साथ, भटूरे के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ भटूरे के साथ। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म स्वादिष्ट चने तैयार। इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए धनिया डाल सकते हैं। देखिए रेडी हमारे पंजाबी छोले मसाला। मैंने इसे भटूरे के साथ सर्व किया है, कटा हुआ प्याज, तली हुई मिर्ची। अब ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार।